हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी दिल्ली मेरठ RRTS के अपडेट्स के बारे में। आपको दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ बताऊंगा। ये एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो कि इस वक्त भारत में बन रहा है। साथ ही कंस्ट्रक्शन अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे कि कितना काम इस प्रोजेक्ट में कंप्लीट हो गया है और कब तक आपको ये प्रोजेक्ट पूरा होता हुआ दिख सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स से। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कभी भी चैनल में डिटेल में बात नहीं की है, इसलिए प्रोजेक्ट है क्या, कब इसका आइडिया आया था और क्यों इसे बनाया जा रहा है, इसके बारे में पहले आपको बता देता हूं। तो दिल्ली मेरठ RRTS एक 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो कि इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करेगा गाजियाबाद होते हुए। इस प्रोजेक्ट के ओनर है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और इन्होंने इस रीजन में 3 रैपिड रेल कॉरिडोर्स प्लान किए हैं अंडर फेज 1, जिसमें से दिल्ली मेरठ वाला पहला कॉरिडोर है। अब क्योंकि ये सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है तो ट्रेन की स्पीड इस कॉरिडोर में 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखी जा सकती है और इसीलिए दिल्ली मेरठ के बीच के डिस्टेंस को ये ट्रेन 1 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लेगी। जैसा मैंने बताया कि ये पहला कॉरिडोर लगभग 82 किलोमीटर लंबा होगा तो इसमें टोटल 22 स्टेशन बनेंगे, साथ ही 2 डिपो भी और लगभग 30,274 करोड़ की लागत बताई जा रही है प्रोजेक्ट को पूरा बनाने में। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा था और अभी काफी स्पीड में प्रोजेक्ट में काम हो रहा है, जिसके बारे में वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक चीज के बारे में बता देता हूं जो कि है प्रायोरिटी कॉरिडोर। ये पूरा रूट 82 किलोमीटर लंबा है लेकिन इसमें 17 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को प्रायोरिटी कॉरिडोर कंसिडर किया गया है। इसका मतलब है कि पूरे प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले इसको बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और ये पहले ही ऑपरेशनल भी हो जाएगा। साहिबाबाद और दुहाई ये 2 जगह हैं जिनके बीच में ये कॉरिडोर 17 किलोमीटर का पड़ेगा और ये अगले साल से ही शुरू होने वाला है, यानी 2023 में ये 17 किलोमीटर वाला प्रायोरिटी सेक्शन ऑपरेशनल हो जाएगा। वैसे चांसेस ये भी हैं कि ये कॉरिडोर इसी साल ऑपरेशनल हो जाए क्योंकि पिछले महीने काफी काम इसमें हो गया है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसके बारे में अपडेट्स दूंगा, तब आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। और बाकी का पूरा सेक्शन यानी टोटल 82 किलोमीटर वाला सेक्शन 2025 तक धीरे-धीरे ऑपरेशनल होगा। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी भी अच्छी खासी रखी जाएगी सेक्शन में, जहां हर 5 से 10 मिनट में एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाएगी। पूरे सेक्शन में 68 किलोमीटर का सेक्शन एलिवेटेड होगा, साथ ही लगभग 14 किलोमीटर का सेक्शन अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। और प्लानिंग जनरली इस तरह से की गई है कि जैसे जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है दिल्ली में हो या फिर यूपी के वो एरिया जिनको प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया है, तो कोशिश की गई है कि वहां पर प्रोजेक्ट को अंडरग्राउंड बनाया जाए। आपको अगर रूट का थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूं तो सराय कालेखा ये एक जगह है दिल्ली में, यहाँ से ये कॉरिडोर शुरू होगा और फिर दिल्ली के कुछ एरिया आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद से होते हुए मेरठ में मोदीपुरम स्टेशन पर जाकर के खत्म होगा। और जहाँ तक ये कॉरिडोर दिल्ली के अंदर रहेगा ना, वहाँ तक आपको इसके स्टेशन पे मेट्रो ट्रेन की भी सुविधा मिलेगी। कैसे? तो इस कॉरिडोर का पहला स्टेशन है सराय कालेखा, जहाँ इंडियन रेलवे का स्टेशन है, बस टर्मिनल भी है, साथ ही पिंक लाइन का मेट्रो स्टेशन भी है। इसके बाद न्यू अशोक नगर जहाँ ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन है, आनंद विहार ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन, साथ ही रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल भी है, और साहिबाबाद में भी आपको ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन मिलेगा। यानी इधर वाला पूरा कॉरिडोर पूरी तरह से इंडियन रेलवे या फिर दिल्ली मेट्रो या फिर बस टर्मिनल से एटलीस्ट कनेक्टेड है। मैं आपके लिए इसकी एक पिक्चर भी डाल दूंगा स्क्रीन पे ताकि आप इसको प्रॉपरली समझ पाओ। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी सही स्पीड से चल रहा है, साथ ही एक प्रायोरिटी कॉरिडोर भी है जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले साल में ही ओपन हो जाएगा, तो पूरे चांसेस है कि ये इंडिया में इम्प्लीमेंट होने वाला पहला RRTS कॉरिडोर बन जाएगा। ऐसे काफी सारे सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स आपको आने वाले समय में भारत में देखने को मिलने वाले हैं। और जैसे आज काफी जगह मेट्रो ट्रेन्स इंडिया में चल रही है, ऐसे ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स भी इंडिया में दौड़ने लगेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हाई स्पीड ट्रेन्स के मुकाबले इनको बनाना ज्यादा आसान होता है। मतलब कंस्ट्रक्शन का तो काम कम होता ही है, लेकिन हाई स्पीड रेलवे के मुकाबले इनको बनाने में कम ही जगहों से क्लियरेंस लेना पड़ता है। साथ ही कॉरिडोर हम छोटे भी बना सकते हैं 100 से 150 किलोमीटर के, लेकिन हाई स्पीड कॉरिडोर जनरली बड़े ही बनते हैं। इस वजह से कई स्टेट्स आपको फ्यूचर में इनको इम्प्लीमेंट करते हुए दिखेंगे। साथ ही एक और
चीज देखो जो अगर आपने ध्यान दिया हो तो जितने भी स्टेशन हम इस कॉरिडोर में बना रहे हैं लगभग हर स्टेशन या तो दूसरे मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड है या फिर रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है या फिर एटलीस्ट एक बस टर्मिनल से कनेक्टेड है। यानी एक सीमलेस इंटीग्रेशन है अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बीच में, और अच्छी फैसिलिटीज तो ऐसे कॉरिडोर प्रोवाइड करेंगे ही, यानी कि ये लोगों को भी इनकरेज करेगा इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और बात रह गई है आपको बतानी, वो भी बता देता हूँ जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना काफी है। आपको एटलीस्ट एक आइडिया प्रोजेक्ट का जरूर लग गया होगा जिसके बाद हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन अपडेट्स की तरफ चलेंगे। तो बताना ये रह गया है कि इस कॉरिडोर के सारे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स मिलने वाले हैं, यानी जब ट्रेन स्टेशन पर आएगी तो ट्रेन के दरवाजे खुलने के बाद ही वो प्लेटफॉर्म वाले डोर्स खुलेंगे। कुछ मेट्रो सिस्टम्स में भी इंडिया के अंदर ये सिस्टम आज आपको देखने को मिलता है, और उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद थोड़ा बहुत हमें पॉल्यूशन में भी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये काफी बिजी रहने वाला रीजन है जहां ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तो चांसेस हैं कि लोग इस स्पीड रेल को ही यूज करने लगेंगे इसके बनने के बाद, जो कि अल्टीमेटली पॉल्यूशन को रीजन में एटलीस्ट थोड़ा तो कम करेगा। चलिए, अभी प्रोजेक्ट की बात हो गई है, बात करते हैं अपडेट्स की। तो 2020 में RRTS में जो ट्रेन यूज होंगी उनके लिए बिडिंग हुई थी, जिसमें एल्स्टॉम ने सबसे कम बिडिंग की, और एल्स्टॉम अब इन ट्रेन्स के 210 कोचेस को इस RRTS के कॉरिडोर के लिए सप्लाई और मेंटेन करेगा। ये सारे के सारे कोचेस इंडिया में ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाए जाएंगे एल्स्टॉम के गुजरात वाले प्लांट में। यानी आप सिंपल भाषा में कह लो कि इस कॉरिडोर में जितना भी रोलिंग स्टॉक यूज हो रहा है वो 100% मेड इन इंडिया है। जून 2019 में इस प्रोजेक्ट का प्रॉपर पिलर वर्क शुरू हो गया था। फरवरी 2021 में यानी कि पिछले साल आनंद विहार स्टेशन जो बनाया जाएगा इस कॉरिडोर में उसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया गया है। उसके 2-3 महीने बाद यानी अप्रैल में ही गाजियाबाद वाले सेक्शन में ट्रैक्स बिछाना भी शुरू कर दिया गया था। पिछले साल जून में इसका जो अंडरग्राउंड वाला पहला सेक्शन है उसमें भी काम शुरू हो गया है। उसके पहले इस वक्त एल्स्टॉम भी अपने रैक्स का काम कंप्लीट कर रही है। सितंबर में कॉरिडोर में ओवरहेड इक्विपमेंट लाइंस को इंस्टॉल करना शुरू करवा दिया गया था। ओवरहेड इक्विपमेंट लाइंस उनको बोलते हैं जो कि ट्रैक्स के ऊपर लगी होती है और ट्रेन का पेंटोग्राफ उन्हें छूता हुआ चलता है, वहीं से एक्चुअली में ट्रेन पावर लेती है। और पिछले महीने दिसंबर में प्रोजेक्ट ने काफी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। लगभग 50 स्पैन्स NCRTC ने पिछले महीने कंस्ट्रक्ट किए हैं अपने प्रायोरिटी कॉरिडोर में। एक स्पैन की लंबाई एवरेज 34 यानी कि 34 मीटर के आसपास है, और NCRTC ने 50 स्पैन पिछले महीने बनाए हैं, यानी कि 50x34 मतलब 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा का कॉरिडोर पिछले महीने NCRTC ने कंप्लीट किया है, और ये प्रायोरिटी कॉरिडोर का ही पार्ट है। और इसीलिए अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर प्रोजेक्ट ऐसी ही रफ्तार से चला तो चांसेस हैं कि इसी साल के एंड होते होते शायद ये प्रायोरिटी कॉरिडोर ऑपरेशनल हो जाएगा। पिछले महीने ही लगभग 227 करोड़ रुपए का AFC सिस्टम यानी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम का भी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया है। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम तो आपको पता होगा, यानी वो मशीन वाला सिस्टम जिसमें हम लोग पैसा देते हैं और टोकन लेके और इस सिस्टम को क्रॉस करके फिर प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं। मेट्रो में जरूर आपने इस तरह का सिस्टम देखा होगा। यानी प्रोजेक्ट में काम काफी तेज रफ्तार से हो रहा है, और चांसेस हैं कि ये 17 किलोमीटर वाला सेक्शन आपको इसी साल दिख जाएगा ऑपरेशनल होता हुआ। और अगर बाय चांस इस साल नहीं भी हुआ तो अगले साल तो पक्का इसने ऑपरेशनल हो ही जाना है। बाकी आपको इस वीडियो में मैंने प्रोजेक्ट के बारे में भी बता दिया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आज तक कभी भी चैनल की किसी भी वीडियो में हमने इंक्लूड नहीं किया था, तो डायरेक्टली बिना प्रोजेक्ट के बारे में बात किए कंस्ट्रक्शन अपडेट्स नहीं दे सकता था। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जाने से पहले। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।